बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार लगातार कोशिश करती रही कि विसंगतियों को दूर किया जाए, लेकिन कुछ कारण से हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और युवा काफ़ी डिप्रेस्ड है, आक्रोशित तो है ही। और यहाँ पे युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख पाता है। झारखंड में हमेशा रिजल्ट्स रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक कारण रहता है, कभी ये नियोजन नीति अब रद्द हो गया। तो कल हमने कुछ स्टूडेंट्स को मिलवाया भी था माननीय मुख्यमंत्री जी से। कुछ स्टूडेंट्स है जिनका रिजल्ट अभी प्रकाशित होने वाला था, वो प्रकाशित नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों से स्टूडेंट को बचाने का ज़रूरत है, और हमारे राज्य के हित में ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम देने का हिम्मत ही नहीं होगा। जो भी दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तीसरी बार हिम्मत नहीं होगा। तो हम यही आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके लिए आवश्यक कोई कार्रवाई करके कोई रास्ता निकालें। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि छात्र गुमराह कर रही है ये सरकार, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे, वो सारा चीज़ सब लोग जानते हैं। इसमें मुझे कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष तो सवाल उठा रहे हैं ना, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम लोग तीन साल में, हमारी मात्र 3 साल हुई है हमारे सरकार की, और पहली बार हमारे ये महागठबंधन की सरकार, लोगों ने भरोसा जताया और हम लोगों को मौका दिया है, और कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। कोविड में तो 2 साल परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद भी, चुनौतियों से घिरे रहने के बाद भी, कई सारे ऐसे ऐसे काम किए गए जो ऐतिहासिक रूप से साबित हुए हैं। और हर तबके के लोग के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल हमें भरोसा है कि जो पूर्व में कभी नहीं हुई, देखने को कभी नहीं मिला, वो अभी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चुनौती है, बहुत सारी समस्याएं अभी भी है, और हम लोग इसी वजह से थोड़ा चिंता में रहते हैं कि जल्दी ये समस्याएं हल हो। बहुत सारे चीज़ है, स्टूडेंट का मामला है, OBC आरक्षण का मामला है, कास्ट सेंसस का मामला है, हमारे क्षेत्र में भी विस्थापितों का मामला है, अभी वो सारा पेंडिंग है। सभी समस्याएं हल नहीं हुई है, और हमें विश्वास है, भरोसा है इसी सरकार से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसानों के हित में, गरीबों के हित में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। जो अभी देखिए, बच्चियों के को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है, सभी तरह के तबके के लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, और हमें इसी सरकार से भरोसा है, और किसी सरकार से भरोसा नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।